नमस्कार, स्वराज अभियान प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10 अगस्त 2015। स्वराज अभियान के जय किसान आंदोलन के 10 दिन की यात्रा के अंतिम दिन जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से आए किसानों ने अपनी आवाज संसद के सामने रखी। योगेंद्र यादव के नेतृत्व में पंजाब के ठिकरीवाल बरनाला से प्रारंभ हुई ये यात्रा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों से गुजरते हुए एक विशाल रैली के रूप में आज जंतर मंतर पर एकजुट हुई। आज जय किसान आंदोलन में देश के कई किसान संगठनों के हजारों किसानों ने एक नई आशा के साथ भाग लिया। देश भर के करीब 10,000 खेतों से मिट्टी का कलश लिए ये किसान आज संसद के सामने इकट्ठा होकर हमारे नीति निर्माताओं को देश की मिट्टी की याद दिलाने आए थे। किसानों की समस्याओं और देश में बढ़ती किसानों की आत्महत्या पर सभी संगठनों और किसान नेताओं ने आक्रोश और चिंता व्यक्त की। इस आंदोलन को स्वराज अभियान के संयोजक प्रोफेसर आनंद कुमार ने संचालित किया। इस सभा को स्वराज अभियान के वरिष्ठ सदस्य प्रशांत भूषण, धर्मवीर गांधी सांसद पटियाला पंजाब, डॉक्टर सुनीलम, पंकज पुष्कर विधायक तिमारपुर दिल्ली और कई गणमान्य व्यक्तियों किसान नेताओं ने संबोधित किया तथा अपने सुझाव रखे। इससे पूर्व स्वराज अभियान ने दिल्ली पुलिस द्वारा जय किसान मार्च को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने को अलोकतांत्रिक व शर्मनाक बताया। पहले से पूरा रूट बताने और इजाजत लेने के बावजूद जय किसान ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली में प्रवेश करने के पहले पुलिस ने रोका। रात को कुछ पुलिस समर्थित गुंडों के द्वारा अभियान के वॉलंटियर पर किए गए जानलेवा और कायरनामा हमले की निंदा की। सभा को संबोधित करते हुए योगेंद्र यादव जी ने जोर देकर कहा कि हमें आत्महत्या मुक्त भारत बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। इस आंदोलन में वे दुख और संकल्प के साथ आए हैं। किसानों की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाना और आगे सतत किसानों की एक मजबूत आवाज बनाना इस आंदोलन का लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल जमींदारों और फसलों का मूल बढ़ाने के लिए नहीं है, अपितु इसके साथ साथ ये संघर्ष खेतीहर मजदूर, भूमिहीन किसानों, आदिवासियों और विस्थापितों का भी आंदोलन है। ये लड़ाई अब सिर्फ हरित क्रांति लाने तक सीमित नहीं रहेगी। ये आंदोलन भविष्य की खेती के बारे में सोचने और विचार विमर्श करने का आंदोलन भी बनेगा। देश के कृषि मंत्री के असंवेदनशील बयानों पर उन्होंने कहा कि नेताओं को बस चार शब्द आमद, खर्च, आपद और कर्ज सीख लेने पे ही किसानों के कष्टों का पता चल जाएगा। पानी और खेती पर आ रहे संकट पर उन्होंने कहा कि हम खेती और गांवों को उजड़ने नहीं देंगे। किसानों को मजदूर बनने से बचने के लिए सभी से संकल्प लिया। साथ में किसानों के स्मृति में रेस कोर्स पर स्मारक बनाने का संकल्प दोहराया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए स्वराज अभियान ने एक रूपक मॉडल हल के आकार का आज ही रेसकोर्स पर रखने का प्रस्ताव रखा। 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण के लिए सुझाव में किसानों के आत्महत्या की बात को सम्मिलित करते हुए समस्या के निदान बताते हुए सुझाव दिए। जय किसान आंदोलन 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री जी के भाषण का इंतजार करेगा। उनके अनेक भाषण में भी किसानों की समस्याओं पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। पटियाला से सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी ने बताया कि कैसे आज किसानों का शोषण करने वाले ही लोगों ने सांसद में खुद को किसानों का हितेशी घोषित कर रखा है। ये पूंजीपति बाहुबली लोग किसानों के नाम पर सिर्फ एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। किसान आंदोलन के संयोजक योगेंद्र यादव और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी ने इस किसान आंदोलन का मांग पत्र लोकसभा के स्पीकर श्रीमती सुमित्रा जी के नाम पर धर्मवीर गांधी जी को सौंपा। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि वे संसद में इस आंदोलन में उठाए गए प्रश्नों को उठाएंगे। सभा के उपरांत किसानों की विधवा महिलाओं के द्वारा हल को रेस कोर्स में ले जाकर स्थापित करने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। राज अभियान से जुड़े किसानों ने यह निश्चय किया कि वह हल को कंधे पे लेकर खड़े रहेंगे और प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के भाषण का इंतजार करेंगे। तब तक हल सत्याग्रह जारी रहेगा। जय किसान, जय हिंद। स्वराज अभियान मीडिया।